हेलो बेटा, जो ये क्वेश्चन है इसमें दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, ठीक है। इस पैराबोले पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं और वो टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं। पहले इसका एक ग्राफ से सिनेरियो बनाओ बेटा, ये रहा। अब ये हमारे पास पैराबोला है, ये बना हमारे पास पैराबोला, ये बना, दिस इज योर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। अब हमें दिया गया है कि दो पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, वहां से टेंजेंट खींची गई है, यानी दो टेंजेंट खींच देने हैं इस पे, ऐसे खींच देना है ऐसे, और दोनों टेंजेंट कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। हमें इस पॉइंट P का लोकस बताना है, एक पॉइंट ही नहीं है ये, हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो या कुछ और हो, ठीक है। हमें इसका लोकस बताना है, क्लियर है क्वेश्चन। अब बेटा हम इसको कैसे करते हैं, देखो हमारे पास जो जनरल पहले बोल रहा है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और लाइन है हमारे पास वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये वाली लाइन इस पे टेंजेंट हो तो कंडीशन है हमारे पास सी इक्वल टू ए अपॉन एम, ये कंडीशन होती है बेटा, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपकी कंडीशन आ जाएगी डी को आप जीरो पुट कर देंगे, डिस्क्रिमिनेट, क्योंकि टेंजेंट एक ही पॉइंट पे आप टच करेगा तो सी इक्वल टू ए अपॉन एम आ जाएगी, ठीक है। यानी जो इसका टेंजेंट है, अगर इस लाइन का टेंजेंट है तो हम उसको इस फॉर्म में बोल सकते हैं कि सी इक्वल टू ए, यहां पे अगर इससे कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या है, वन, तो ए की वैल्यू वन है, तो वन अपॉन एम। यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो इसका टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म की होगी बेटा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस वन अपॉन एम फॉर्म की, ठीक है। अब जो लोकस है, अब ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब मान लिए ये लोकस एक पॉइंट एच और के से होके जा रहा है, एच के मान लो कोई लोकस है, ठीक है। अब एच के से होके जा रहा है तो पुट कर दो भाई, ये के हो जाएगा, ये एम एच हो जाएगा, ये वन अपॉन एम हो जाएगा बेटा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, आगे बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास एम स्क्वायर एच और ये माइनस एम के और ये प्लस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा बेटा। देखो बेटा आता नहीं आता, एम स्क्वायर एलसीएम लिया, एम के उधर को किया, प्लस वन आ गया, ये बेटा एम में क्वाड्रेटिक आ गया है, ठीक है। इसका मतलब जो ये एक्सटर्नल पॉइंट हमने एच के लिया है, यहां से दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये इसका प्रूफ भी हो गया कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम पैराबोला पे दो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों टेंजेंट, देखो दोनों टेंजेंट एम वन प्लस एम टू यही सॉल्यूशन होंगे बेटा उसका, एक एम वन होगा एक एम टू होगा, तो एम वन प्लस एम टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी अपॉन ए बोले तो के अपॉन एच, और एक दूसरा होगा एम वन इंटू एम टू सी अपॉन ए, दैट इज वन अपॉन एच। और बेटा हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एम वन इंटू एम टू की वैल्यू क्या दे रखी है, एम वन इंटू एम टू की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस वन दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहां पे हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, माइनस वन इक्वल टू वन बाई एच सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इससे मेरे पास एच की वैल्यू क्या आई है, माइनस वन आई है बेटा, एच की वैल्यू माइनस वन आई है, गेटिंग माई पॉइंट ना। के की वैल्यू कुछ भी हो बट एच की वैल्यू हमेशा माइनस वन आई है, तो यानी एक स्ट्रेट लाइन होगी ये। तो हमने एच के लोकस माना है और एच की वैल्यू माइनस वन आ गई है, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, एच इक्वल टू माइनस वन, एच इक्वल टू माइनस वन, ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये वैसे भी डायरेक्टिस है, ठीक है, पैराबोला की डायरेक्टिस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा ट्रिक से करना था इसको, तो ठीक है बेटा। दोबारा मैं इसको आपको बता देता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हमें एक पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है, ये एक जनरल है ये।
अगर हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, अगर इस लाइन को इस पे टेंजेंट होना है तो सी इक्वल टू ए अपॉन एम होना चाहिए। ठीक है, हमने ए की वैल्यू निकाल दी, इससे कंपेयर करके सी की वैल्यू वन बाई एम आ गई, यानी ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई इस पैराबोला पे। हमें ये लोकस निकालना है पॉइंट एच के का, तो एच के हमने मान लिया कि एच के से पास कर रही है, एच के पास कर रही है, ये क्वाड्रेटिक बन गई, देखो एम में क्वाड्रेटिक बन गई। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, देखो उसके लिए भी कंडीशन है आपका कि डिस्क्रिमिनेंट आपका जो है ग्रेटर देन एन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींच सकते हो। यहां पे एम की दो वैल्यू आएंगी, एम वन एम टू, ठीक है, एम वन प्लस एम टू की वैल्यू एच अपॉन के है और एम वन एम टू की वैल्यू वन अपॉन एच है। आपको एम वन इंटू एम टू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, बोल रखा ना उसने कि दोनों टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी दो टेंजेंट दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होता है, तो एम वन इंटू एम टू की वैल्यू माइनस वन है। यहां से हमने एच इक्वल टू माइनस वन कर दिया, यानी ये तो हमेशा आएगा आएगा, यानी के की वैल्यू कुछ भी हो एच की वैल्यू माइनस वन होगी, यानी ये स्ट्रेट लाइन हो गया, राइट।